अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। आखिर ओबीसी और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया? मुन्नी गजक जो धोबी समाज से आती है, जो कपड़ा धोने का काम करती है, उनको एमएलसी बनाते हैं। लालू जी भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली जो महिला है उनको राज्यसभा बनाते हैं। हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण, जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? पीएम मोदी का महिला आरक्षण बिल ने सियासत गर्म कर दिया है, सियासी घमासान मचा हुआ है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इस पर जम करके बयान दिया है, भड़ास निकाला है। क्या कुछ कहा है मैं सुनाऊंगा आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का महिला बिल पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कब लागू होगा और मोदी जी जो दलित और पिछड़े हैं उनको कब लाएंगे, उनके लिए उन्होंने क्या किया है, उन महिलाओं को क्यों नजरअंदाज कर दिया है। तेजस्वी यादव के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है पीएम मोदी को लेकर के और उनके महिला आरक्षण बिल को लेकर के। लागू होगा कानून, हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू कब होगा, कौन से तारीख को? किसी के पास जवाब है? जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं। लालू जी भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली जो महिलाएं हैं उनको राज्यसभा बनाते हैं। मुन्नी गजक जो धोबी समाज से आती है, जो कपड़ा धोने का काम करती है, उनको एमएलसी बनाते हैं। हम तो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है, हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन। आखिर ओबीसी और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया, ये तो सवाल पूछे जा रहा है। और आप लोग, हम तो पहले भी कहते हैं कि ओबीसी जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। तो अगर कोई गलत फहमी में है, कोई अगर किसी को बंधुआ वोट के नजरिए से अपना समझता है कि भाई ये हमारा वोटर बन जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये चलने वाला नहीं है। जहां भी जागरूक समाज भी है और लड़ाकू समाज भी है और अपने अधिकार को जानता भी है, लेना भी। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान आप लोगों ने सुन लिया कि कब ये लागू हो रहा है और दलित पिछड़े ओबीसी वालों के लिए उन्होंने क्या किया, उन महिलाओं को नजरअंदाज क्यों कर दिया। लालू यादव ने पत्थर तोड़ने वाले को, कपड़ा धोने वालों को मौका दिया, राज्यसभा पहुंचाया, एमएलसी बनाया, और ये पीएम मोदी जी जो है वो दलित पिछड़ों को कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, उन पर कभी भी उनकी नजर नहीं होती है, उनके लिए वो कभी कुछ नहीं कहते हैं। खबर तो तमाम तरह की सुर्खियां बनाई हुई है, लेकिन ये महिला आरक्षण बिल लागू कब होगा ये भी बता दें। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवान न्यूज के साथ। धन्यवाद।